हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं एडी क्रिकेट न्यूज। तो मैं फिर से आईपीएल से जुड़ी हुई एक वीडियो लेकर आ गया हूं। तो आज मैं बात करने वाला हूं आईपीएल का जो 17th नंबर मैच होने वाला है उसके बारे में, जो कि खेला जाने वाला है पीबीकेएस यानी पंजाब किंग्स और एमआई यानी मुंबई इंडियंस के बीच में। और ये मैच 23 अप्रैल को खेला जाने वाला है, वो भी 7:30 बजे से चेन्नई के चिपक स्टेडियम में। और ये मैच दोनों टीमों के लिए ही अपना 5th मैच होने जा रहा है। तो ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही वैल्यूएबल मैच है और दोनों टीमों के फैंस के लिए एक देखने वाला मैच होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमें बहुत ही बढ़िया तरह से खेल रहा है। तो इसकी वजह से जरूर से ये मैच को देखिए और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को और एक बात बताना चाहूंगा कि अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आता है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, क्या बताएं, जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आज के वीडियो में मैं क्या क्या बताने वाला हूं, तो आज के वीडियो में मैं ये दो टीम यानी पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में जो मैच होने वाला है, इस मैच के लिए कौन सा प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 दोनों टीमों की ओर से खेल सकता है और कौन सा टीम इस मैच को कितना विनिंग परसेंटेज से जीत सकता है और कैसा कॉम्पिटिटर हो सकता है, वो सभी बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि दोनों टीमों का प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, तो सबसे पहले अगर हम पंजाब किंग्स के बारे में बात करें तो पंजाब किंग्स का प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 कुछ ऐसा हो सकता है। सबसे पहले ओपन करने वाला है केएल राहुल के साथ मयंक अग्रवाल, और उसके बाद डेविड मिलान, 4 नंबर पे दीपक हुडा, 5 नंबर पे मुझे लगता है कि निकोलस क्रॉस को ही चांस फिर से देना चाहिए, उसके बाद 6 नंबर पे शाहरुख खान, 7 नंबर पे जलन सक्सेना को ही खिलाना चाहिए, 8 नंबर पे मुझे लगता है कि रैली मेडिक के जगह पर क्रिस जॉर्डन को आप खिला सकते हैं, और उसके बाद 9 नंबर पे जाय रिचर्डसन और 10 नंबर पे मोहम्मद शमी, और लास्टली 11 नंबर पे मुरुगन अश्विन को आप खिला सकते हैं। और अगर आप चाहे कि मतलब जलन सक्सेना को नहीं खिलाएंगे तो उनके जगह पर रवि बिश्नोई को भी ले सकते हैं आप अपने टीम में, मतलब स्पिनिंग ऑप्शन ज्यादा रहेगा तो अच्छा होगा चेन्नई के पिच में। उसके बाद अगर हम बात करें कि मुंबई इंडियंस का प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 कैसा हो सकता है, तो मुंबई इंडियंस का प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 कुछ ऐसा हो सकता है। सबसे पहले ओपन करने वाला है रोहित शर्मा के साथ कुंटन डीकॉक, तो इस टीम में चेंजेस कुछ भी नहीं होने वाला है, मतलब ये टीम ज्यादा अपने टीम में मतलब टीम में चेंजेस नहीं करता है। तो उसके बाद 3 नंबर पे सूर्य कुमार यादव, 4 नंबर पे ईशान किशन, 5 नंबर पे कैरन पोलार्ड, 6 नंबर पे हार्दिक पांड्या, 7 नंबर पे कुणाल पांड्या, 8 नंबर पे एडम मिलने, 9 नंबर पे ट्रेंट बॉल, 10 नंबर पे जसप्रीत बुमराह, लास्टली 11 नंबर पे राहुल चाहर। तो ये मोस्ट प्रोबेबली मुंबई इंडियंस के टीम का प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 हो सकता है। आप लोगों को इसके बारे में क्या राय है वो आप लोग मुझे जरूर से कमेंट करके बताइए। और उसके बाद अगर हम बात करें कि दोनों टीमों का कंपैरिजन करने के बाद कौन सा टीम जीत सकता है, तो सबसे पहले अगर हम दोनों टीमों का कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हो ओपनिंग से शुरू करते तो ओपन करने वाला है पंजाब किंग्स के ओर से केएल राहुल और मयंक अग्रवाल, और वैसा ही मुंबई इंडियंस के ओर से ओपन करने वाला है रोहित शर्मा और कुंदन डीकॉक। तो इस मैच में नो डाउट पंजाब का बल्ला भारी रहने वाला है, क्योंकि पंजाब किंग्स का जो खिलाड़ी है वो बहुत ही बढ़िया फॉर्म से जा रहा है, तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि पंजाब जीत सकता है इस विभाग में। और उसके बाद मिडिल ऑर्डर की अगर बात करें तो मिडिल ऑर्डर में पंजाब किंग्स की ओर से खेलने वाला है, मैं तो खिलाया हूँ डेविड मिलान को, तो डेविड मिलान के साथ खेलने वाला है दीपक हुडा और निकोलस कुरन, और वैसा ही मिडिल ऑर्डर में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलने वाला है सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन और कैरन पोलार्ड। तो इस विभाग में मुझे लगता है कि दोनों टीमों के पास ही बढ़िया बढ़िया क्वालिटी प्लेयर्स हैं, लेकिन मुंबई के पास पल्ला भारी रहने वाला है, क्योंकि मुंबई में अच्छा और बेहतरीन क्वालिटी पंजाब किंग्स के मुकाबले ज्यादा है, इसकी वजह से मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस ही मिडिल ऑर्डर में जीतने वाला है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि लोअर मिडिल ऑर्डर में कौन कौन सा प्लेयर खेल सकता है, तो पंजाब किंग्स के ओर से लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलने वाला है शाहरुख खान और जलत सक्सेना, और वैसा ही लोअर मिडिल ऑर्डर मतलब फिनिशर्स का रोल भी अदा करने वाला है, और वैसा ही मुंबई इंडियंस के ओर से हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या खेलने वाला है। तो इस विभाग में भी हार्दिक पांड्या बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है, उसके साथ शाहरुख खान जो अभी खेल रहा है वो इस सिचुएशन में इतना बढ़िया खेल रहा है कि क्या बताए, बहुत ही बढ़िया। और वैसे ही जलत सक्सेना और मतलब कुणाल पांड्या उतना खास फॉर्म से नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा खेल सकता है, तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि इस विभाग में टाई हो सकता है दोनों टीमों के बीच में। और उसके बाद अगर हम स्पिन बॉलिंग अटैक की बात करें तो स्पिन बॉलिंग में मुंबई की ओर से खेलने वाला है राहुल चव्हाण और कुणाल पांड्या, और वैसे पंजाब किंग्स की ओर से स्पिन बॉलिंग करने वाला है जलत सक्सेना और मुरुगन अश्विन, और अगर रवि बिश्नोई को खिला लेता है जलत सक्सेना की जगह पर तो रवि बिश्नोई भी खेल सकता है। तो मुझे तो लगता है कि इस विभाग में मुंबई से
बेहतर होता अगर मैं इस टीम को जिताता, मतलब पंजाब की उसको, क्योंकि अगर रवि बिश्नोई को खिलाता है तो ये बॉलिंग अटैक ही जीतने वाला है, लेकिन अगर जलस सक्सेना को ही खिलाता है तो इसमें टाई होने वाला है। तो मुझे तो लगता है कि टाई होने वाला है, क्योंकि मैं जलस सक्सेना को पहले पकड़ दिया हूँ, बैटिंग का हाथ अच्छा है इसलिए। और लास्टली अगर हम बात करें कि फास्ट बॉलिंग अटैक में कौन सा टीम जीत सकता है, तो आप लोग देख सकते हैं कि पंजाब किंग्स को जो फर्स्ट बॉलिंग करने वाला है जाहिर रिचर्डसन, क्रिस जॉर्डन और मोहम्मद शमी, और वैसा ही फर्स्ट बॉलिंग मुंबई की ओर से करने वाला है एडम मिलने, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह और कैरन पोलार्ड भी कर दे सकता है। तो इस विभाग में मुझे तो लगता है कि अच्छा कर सकता है मुंबई ही, लेकिन मुंबई जीतने वाला है इस विभाग में। तो मुझे तो लगता है कि इस विभाग में मुंबई जीतने वाला है। तो लास्टली अगर आप देखें कि कौन से विभाग में कौन सा टीम जीता है और कितना कंपटीशन का रेट हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि आप किंग्स ओपनिंग में जीत लिया है, मुंबई मिडल ऑर्डर में जीत लिया है, और लोअर मिडल ऑर्डर में टाई हुआ है, स्पिनर में भी टाई हुआ है, और फर्स्ट बॉलिंग में मुंबई का पल्ला ही भारी रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सीधे तौर पर मुंबई इंडियंस का जीत हो रहा है। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस 51% से और पंजाब किंग्स 49% से आगे पीछे रहने वाला है, क्योंकि थोड़ा ही मार्जिन रहने वाला है। क्योंकि अगर पंजाब किंग्स का जो ओपनर है वो अच्छा खेलता है और बहुत ही बढ़िया तरह से फर्स्ट बॉलिंग हरकत करता है, तो इस विभाग में, मतलब इस सिचुएशन में पंजाब का भी चांस बन सकता है जीतने का, लेकिन मुंबई ऑल ओवर बहुत बेहतरीन है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि इस मैच में मुंबई का पल्ला ही भारी रहने वाला है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा वो आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।